एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे लास्ट वीडियो में? तो हमने पढ़ा था हमारा कंसेप्ट पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है, कि पावर जो है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अमंग शेयर की जाती है, और पावर शेयरिंग क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों डिज़ायरेबल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग को हम टू स्टोरीज से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। एक जो स्टोरी होगी वो होगी बेल्जियम की, और एक स्टोरी होगी श्रीलंका की। ठीक है, तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि हम टू स्टोरीज से पावर शेयरिंग को रिलेट करेंगे। किससे? एक तो होगा बेल्जियम और एक होगा श्रीलंका। पहले हम बात करेंगे श्रीलंका की। अब जो है एक शॉर्ट क्लिप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपको डिफरेंट वॉइसेस के थ्रू इंटरेस्ट इस चैप्टर में बना रहे। तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट शुरू करते हैं हम हमारी क्लिप। तो देखिए, सुनते हैं इन स्टोरीज को और जानते हैं कि कैसे इन कंट्रीज ने हैंडल किया पावर शेयरिंग की डिमांड को। तो शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। अगर मैप पर देखा जाए तो श्रीलंका इंडिया के जस्ट नीचे एक छोटी सी कंट्री है। अब जरा गौर फरमा लेते हैं यहाँ के एथनिक कंपोजिशन पर। तो जो श्रीलंका में मेनली दो लैंग्वेजेस बोली जाती है, नंबर वन इज सिन्हाला एंड नंबर टू इज तमिल। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम हमारी फर्स्ट कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में टू टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती थी, फर्स्ट है सिन्हाला एंड सेकंड है तमिल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो सिन्हाला स्पीकर है वो श्रीलंका में ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए जाते थे, वो ज़्यादा मिलते थे। लगभग 74% जो है सिन्हाला स्पीकर जो थे कहाँ पर मिलते थे, हमें वो मिले हैं श्रीलंका में। ठीक है, और जो लगभग 13% है वो हमें मिले हैं तमिल स्पीकर। तो इसी कंपोजिशन की वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से जो है श्रीलंका में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे मतभेद अराइज हो जाएंगे, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लिप। नंबर वन इज सिन्हाला एंड नंबर टू इज तमिल। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी 74% लोग यहाँ सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और 13% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो तमिल हैं, ये मेनली श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1948 में। तो 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है और वहाँ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी तो वो इन इलेक्शंस में जीत जाती है। और अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है और वहाँ पर अब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी होती है। तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने के लिए जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब इस इलेक्शन में कौन जीत जाता है? जो सिन्हाला है वो जीत जाते हैं, क्योंकि सिन्हाला किस में होते हैं? मेजोरिटी में होते हैं। ज़्यादा जो स्पीकर हैं वो कौन थे? सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब देखा जाएगा कि सिन्हाला जो है कितना ज़्यादा भेदभाव करेंगे, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड। किनके साथ करेंगे? वो तमिल स्पीकर्स के साथ करेंगे, क्योंकि जो तमिल है वो क्या है, श्रीलंका में कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और जो सिन्हाला है वो क्या है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी तो वो इन इलेक्शंस में जीत जाती है। और अब श्रीलंका में सिन्हालास की सुपरमेसी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन 1956 में ये जो सिन्हाला गवर्नमेंट पावर में बैठी है, एक लो लाती है और ये डिक्लेयर कर देती है कि सिन्हाला श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद कुछ और पॉलिसीज आती हैं जिनमें सिन्हाला को एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है ताकि बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कि जो सिन्हाला है वो पावर में आ जाती है, सरकार बना लेती है। तो अब जो प्रॉब्लम है वो कब से स्टार्ट होती है? तो असल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 1956 से, क्योंकि जो सिन्हाला है, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस मिल जाती है, दर्जा दे दिया जाता है। अब जो तमिल स्पीकर है उनके साथ यहीं से एक्सप्लोटेशन, शोषण होना स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि भाई लैंग्वेज तो तमिल वालों की भी है, अब सिन्हाला को क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और ऊपर से फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक और चीज़ पास हो जाती है, पॉलिसी पास हो जाती है कि सिन्हाला को क्या मिलेगी, एक स्पेशल टाइप की रिजर्वेशन जो है प्रोवाइडेड होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम सिन्हाला को ही क्यों इन सब की चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ सब कुछ सिन्हालास के लिए ही क्यों किया जा रहा है, आखिर तमिल्स के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता। तो सिचुएशन ये थी कि अब ये जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी ये सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर करती थी, तमिल्स के साथ अब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था और अब तमिल्स अपने आप को एलिनेटेड फील करने लगे थे। तो अब धीरे धीरे तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी के रिलेशन बहुत खराब हो जाते हैं और फाइनली तमिल्स अब एक रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब वो डिमांड करने लगते हैं कि तमिल को भी श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, वो डिमांड करते हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए। अब देखिए आपके माइंड में भी क्वेश्चन अराइज हो गया होगा कि सिन्हाला को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट बनी होती है बच्चों वो किस कम्युनिटी की बनी होती है, तो वो बनी होती है सिन्हाला कम्युनिटी की, जिसकी वजह से सिन्हाला को ही सपोर्ट करती है जो सिन्हाला की गवर्नमेंट होती है। अब जो है इसकी वजह से जो है सिन्हालास और तमिल्स के बीच के जो रिलेशन है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब जो तमिल है वो डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें भी हमारी लैंग्वेज को भी क्या किया जा सके, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सके, ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंसीडर किया जा सके, ठीक है। तो अब ये इनकी जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि तमिल क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। अब वो कुछ डिमांड्स रखते हैं कि जो हमारा जो तमिल थे वो किस पर एग्जिस्ट करते थे बच्चों, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स पे एग्जिस्ट करते थे श्रीलंका की, तो वो बोलते हैं कि हमें एक अलग से ही स्टेट बना दी जाए, हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाए राइट्स के लिए और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए। लेकिन सिन्हाला कम्युनिटी अभी भी तमिल्स के डिमांड को इग्नोर किए जा रही थी, तो तमिल्स का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने लगते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, और अब तमिल्स कुछ वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और डिमांड करते हैं एक सेपरेट कंट्री की। तो धीरे धीरे ये कन्फ्लिक्ट एक सिविल वॉर में चेंज हो जाती है और इस सिविल वॉर में हजारों लोग मारे जाते हैं और श्रीलंका में बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। तो इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि श्रीलंका में प्रॉब्लम तब हुई जब उन्होंने सारी पावर एक कम्युनिटी को दे दी। अगर पावर दोनों कम्युनिटीज में इक्वली डिवाइड करी जाती तो ये सिविल वॉर कभी होता ही नहीं। तो अब बात करते हैं बेल्जियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो सिन्हालास थी और तमिल्स की कन्फ्लिक्ट इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर श्रीलंका में सिविल वॉर हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से कंट्री को, श्रीलंका की मनी को, प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब ये नुकसान क्यों हुआ बच्चों, ये नुकसान इसलिए हुआ कि वहाँ पर पावर शेयरिंग की ही नहीं गई, सारी पावर जो है वो एक ही कम्युनिटी को दे दी गई, सिन्हाला कम्युनिटी को, जिसकी वजह से इतने सारे कन्फ्लिक्ट जो है अराइज हुए। तो अब आपको सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में, नेक्स्ट कंट्री है बेल्जियम। अब बेल्जियम में किस टाइप से जो था सिस्टम प्रिवेल्ड था, तो चलिए, जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड 1 करोड़, तो अब जानते हैं यहाँ के एथनिक कंपोजिशन के बारे में। बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन डच लैंग्वेज बोलती है, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बची हुई 1% पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज बोलती है। लेकिन अगर हम इसी सिनारियो को कंपेयर करते हैं बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स से, तो वहाँ सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब जो डच कम्युनिटी बेल्जियम में मेजॉरिटी में थी वही अब ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में हो गई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1950 के अराउंड। तो 1950-60s में डच और फ्रेंच कम्युनिटी के रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रहे थे, उन दोनों में एक कन्फ्लिक्ट।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना स्टार्ट किया है हमारी नेक्स्ट कंट्री बेल्जियम के बारे में। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, ठीक है। बेल्जियम में 3 टाइप की लिंग्विस्टिक ग्रुप एग्जिस्ट करते थे। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स। तो पहला लिंग्विस्टिक ग्रुप जो वहाँ पर था वो था डच, सेकेंड थे फ्रेंच और थर्ड है जर्मन। तो जो डच है, डच की एथनिक, अब हम बेल्जियम की कंपोजिशन देख लेते हैं कि कितने परसेंट कितने लोग थे। तो 59% जो पॉपुलेशन थी वो डच स्पीकर थे, ठीक है। 40% जो थे वो फ्रेंच थे और 1% थे जर्मन। ये तो थी बच्चों कंपोजिशन बेल्जियम की। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है उसमें हालात बिल्कुल ही अपोजिट थे। जो डच थे वो माइनॉरिटी में थे, सिर्फ 20% ही थे, बहुत ज़्यादा कम थे। बट जो फ्रेंच है वहाँ पर मेजोरिटी में थे, लगभग 80% वो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो अब क्या है, धीरे धीरे जो 1950s के अराउंड जो सिचुएशन है वो खराब होना शुरू हो जाती है डच स्पीकर्स के बीच में और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में। तो अब स्टडी करते हैं कि और क्या बताया गया है। डच और फ्रेंच कम्युनिटी के रिलेशंस काफी खराब चल रहे थे। उन दोनों में एक कंफ्लिक्ट की सिचुएशन हो रही थी। तो अब बेल्जियम के लीडर्स को एक बात रियलाइज हो जाती है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो बेल्जियम में एक सिविल वॉर हो सकता है और यहाँ तक कि कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता था। तो इस रीजनल डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए वो 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड करते हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं इन्हें आज हम बेल्जियन मॉडल के नाम से जानते हैं। तो अब बेल्जियन मॉडल को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे अब देखिए कि वहाँ के जो लीडर्स थे बेल्जियम के, उनको पता चल गया कि अब जो हालात हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और अगर इसी तरह हालात चलते रहे डच और फ्रेंच के बीच में तो एक बार वक्त ऐसा आएगा जब कंट्री को पार्टीशन करने की डिमांड उठने लगेगी फ्रेंच और डच के अमंग। तो क्या हुआ कि 1970 से लेकर और 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की वजह से ही हम इसको कैसे जानते हैं, बेल्जियम मॉडल के नाम से जानते हैं। अब इस बेल्जियम मॉडल को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। तो अब बेल्जियम मॉडल को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला अमेंडमेंट यही किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच कम्युनिटी को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। मानो सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 लीडर्स की ज़रूरत है तो 25 लीडर्स डच कम्युनिटी के होंगे और 25 ही लीडर्स फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे। पॉइंट नंबर 2, ठीक इसी तरह की एक गवर्नमेंट ब्रुसेल्स में भी सेटअप की गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया, यानी सेंटर की कुछ पावर्स को स्टेट को दे दिया। पॉइंट नंबर 4, सेंटर और स्टेट के अलावा अब इन्होंने एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट और एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपको बेल्जियन मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। शुरू में तो बेल्जियन के लोगों को खुद से समझने में बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन इस मॉडल ने एक वॉर होने से अवॉइड किया, प्लस आज तक ये अरेंजमेंट बेल्जियम में बहुत ही अच्छे तरीके से काम दे रहा है। तो वही अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ था कि इस, मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट किए गए। अब उस अमेंडमेंट में क्या था, उसमें ये था कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था किसको, डच को और फ्रेंच को। बेल्जियम में आपने देखा कि कौन डच किस में थे, मेजॉरिटी में थे। तो क्या कर दिया गया, जब बेल्जियम में सरकार अपॉइंट की गई, गवर्नमेंट बनाई गई, तो मान लीजिए वहाँ की गवर्नमेंट को 50 मेंबर चाहिए थे गवर्नमेंट के लिए, तो 25 मेंबर डच से लिए गए और 25 मेंबर फ्रेंच से लिए गए। इसी तरह ब्रुसेल में भी इसी टाइप का जो डिवीज़न है किया गया। और क्या हुआ था, और वहाँ पर एक रीजनल कम्युनिटी भी बनाई गई, मतलब एक कम्युनिटी हुई डच कम्युनिटी और एक हुई फ्रेंच और एक हुई जर्मन। अब क्या है, लोगों को शुरुआत में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और उलझा हुआ लगा था, लेकिन जो ये इस टाइप का जो मॉडल है आज तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो रहा है बेल्जियम के लिए। तो मुझे तो ये मॉडल पर्सनली बहुत ही पसंद आया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको भी समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब मूव करते हैं आगे।
जिम और श्रीलंका की स्टोरी को सुनने के बाद आपको पावर शेयरिंग के बारे में आइडिया लगा होगा। जहां एक तरफ श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए पावर को इक्वली डिवाइड नहीं करती है, वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम के लीडर्स एक ऐसा मॉडल लेकर आते हैं जिससे कोई भी कम्युनिटी अपने आप को एलिनेटेड फील नहीं करती है। अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो पावर शेयरिंग का मतलब पावर को इस तरीके से डिवाइड करें कि कोई सोशल डिफरेंसेस भी ना हो और कोई कम्युनिटी अपने आप को एलिनेटेड फील भी ना करे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आखिर क्या इम्पोर्टेंस है पावर शेयरिंग की? पॉइंट नंबर वन, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अभी जो कुछ देर पहले हमने बेल्जियन मॉडल में देखा कि किस तरह से इस पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट ने एक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। पॉइंट नंबर टू, पावर शेयरिंग इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पावर शेयरिंग एक कंट्री को पॉलिटिकली स्टेबल बनाती है, यानी पावर शेयरिंग में पावर हर ऑर्गन में इक्वली डिवाइडेड होती है, तो कोई भी ऑर्गन उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर थ्री, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर सही मायने में देखा जाए तो एक कंट्री डेमोक्रेटिक तभी कहलाएगी जब वहाँ पावर इक्वली डिवाइडेड हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जस्टिफाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये भी समझ आया होगा कि पावर शेयरिंग, हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें जरूरत क्यों पड़ी पावर शेयरिंग की, क्योंकि पावर शेयरिंग के थ्रू क्या हुआ, एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट को होने से बचाया गया बेल्जियम में। अब श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की तो उनको इस चीज़ के नुकसान भी हुए। तो पावर शेयरिंग में क्या होता है कि सोशल ग्रुप्स, मतलब जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होते। और पावर शेयरिंग जो है स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री वही कहलाई जाएगी जिसमें जो है पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ ही गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है चैप्टर के लास्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पर। तो पावर को शेयर करने के अलग अलग मेथड होते हैं और उनमें से कुछ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला मेथड है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो इस मेथड में पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर बोले तो लॉ मेकिंग, तो हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होता है लॉ बनाने का, तो वो लेजिस्लेचर के अंडर आती है। पॉइंट नंबर टू, एग्जीक्यूटिव। अब हमारा लॉ तो बन गया, तो अब इनको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे एग्जीक्यूटर्स, और एग्जीक्यूटर बोले तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स। पॉइंट नंबर थ्री, जुडिशरी। तो जुडिशरी का सिंपल सा मतलब है जस्टिस। अगर हमारे किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो हम जाते हैं कोर्ट। तो अब जो दूसरा मेथड है पावर शेयरिंग का, वो है वर्टिकल फॉर्म ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग समझ आया होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है बच्चों हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब जो पावर्स है वो अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑर्गन है हमारा लेजिस्लेचर, एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ मेकिंग, यानी कि जो लॉ बनाने का काम कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है। अब बने हुए लॉ को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। अब लॉ ब्रेकर्स को पनिश कौन करेगा बच्चों, जुडिशरी करेगी। अब आज बात आती है हमारे सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है इसमें किस टाइप की अरेंजमेंट होती है, तो इसमें फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। अब जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म क्या क्या मतलब है बच्चों, फेडरलिज्म का ये मतलब है कि जो पावर्स है वो अलग अलग लेवल्स पर शेयर की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। अब इस चीज़ को आप वापस इसमें पढ़ ही लोगे। अब जो है मैं आपको डेली के डेली टू क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिया करूँगी इस वीडियो में कभी भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। आपको बेल्जियम और श्रीलंका में किस टाइप से जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बेसिस पर डिवीजन था उसको लिखना है अच्छे से शॉर्ट नोट टाइप में। जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग का क्या मतलब है। तो ये जो टू क्वेश्चंस है आपको राइट डाउन करने हैं अपनी लैंग्वेज में ताकि पता चल सके आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। अब चलते हैं हम हमारी क्लिप की तरफ। तो इस मेथड में पावर को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है,
जैसा हमने पढ़ा था बेल्जियन मॉडल में, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। और अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो हमारे यहाँ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। तो जो थर्ड मेथड है पावर शेयरिंग का, वो है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और सोशल ग्रुप बोले तो कम्युनिटी गॉड, जो हमने बेल्जियन मॉडल में पढ़ा। और अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो हमारी पार्लियामेंट में कुछ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, मतलब कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। अब जो फोर्थ मेथड है हमारा पावर शेयरिंग का, वो है पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो थर्ड पॉइंट हमने देखा, थर्ड पॉइंट है कि पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर। मतलब क्या है कि पावर्स को शेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज। क्या है कि जो सीट्स है, कुछ सीट्स जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी जाती है, बुक करके रख दी जाती है, स्पेशली SC और ST कैटेगरी के लिए, मतलब माइनॉरिटीज के लिए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, वो है कि जो पावर है वो शेयर की जाती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अमंग, प्रेशर ग्रुप्स के अमंग। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको पता है हमारी कंट्री में BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो इस टाइप की पार्टीज में जो है पावर शेयर की जाती है, जिससे क्या है हम डेमोक्रेसी के थ्रू जो हमें गवर्नमेंट, हमें लगता है पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है, हम उसे वोट देकर सेलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस का, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे आपको मैं नोट्स भेजूंगी चैप्टर नंबर सेकंड के, चैप्टर नंबर सेकंड है बच्चों फेडरलिज्म। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।